फ्रेंड कैसे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोग के स्वागत है दोस्तों। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज रेसिपी में हम होम रेमेडी एक दवा बना रहे हैं दोस्तों। एक कोलेस्ट्रॉल का ये दवा है और बहुत ही रामबाण दवा है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सामान से हमें होम रेमेडी कोलेस्ट्रॉल का दवा तैयार करना है। तो सबसे पहले 3 प्याज लिए हैं। वजन में 100 ग्राम प्याज है और 100 ग्राम लहसुन है। इसको छील कर साफ़ कर लिए हैं। 125 ग्राम आदी है, इसको भी धोकर छील कर साफ़ कर लिए हैं। और नींबू लिए हैं, आधा केजी है वजन में। अब इसको 100 ग्राम इसमें से रस डालना है मुझे। तो इसको सबसे पहले नींबू को कट करके और 100 ग्राम रस निकालेंगे। और इस तीनों को खलवाटा आपको पास है तो खलवाटा में आप कूट कर इसको रस निकालिए, और नहीं तो मिक्सर जार में इसको पीस दीजिए। पीस के और सारा रस गार लीजिए। सबको तीनों के साथ में ही पीसना है और एक बाद रस को इसमें मिलाना है। और इसके बाद आगे के प्रोसेस आगे दिखाती हूँ। और जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और लाइक करिए, कमेंट करने करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आगे के प्रोसेस दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको सबको हम कट कर लिए हैं। देखिए प्याज आदि को और लहसुन को तो उसी तरह से पीसना है हमें। बहुत होम रेमेडी दवा है दोस्तों, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा दवा है और जड़ से ही कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है। ऐसे तो हम लोग दवा खाते हैं तो इन्फेक्शन तो होगा ही, लेकिन इससे कोई इन्फेक्शन नहीं है। और सबसे पहले इसको हम प्याज को पीसेंगे, क्योंकि जार मेरा छोटा है, मोटा पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे। इस तरह से सबसे पहले प्याज को मोटा पीसते हैं। देखिए इस तरह से हमें पीसना है, जैसे लगे कि हम इसको कूटे हैं खलवाटा में, उसी टाइप के पीसना है। तो इसको बाहर करते हैं। लग रहा है ना कि कूटा हुआ है? रोक रोक के बीच में पीसिएगा, बहुत जल्दी पीस जाता है। और इसमें लहसुन आदि को साथ में ले लेते हैं। इसको वजन से ही लेना है, सेम सेम 100 100 ग्राम चारों सामान लेना है और 100 ग्राम मध लेना है इसमें। देखिए लहसुन आदि भी पिसा गया है, इसको भी इसी में डाल देते हैं साथ में ही। किसी तरह से हमें इसमें से रस निकालना है। आप खलवाटा में पीसिए या मिक्सर जार में पीसिए, या आपको जैसे आपको आराम लगे इसको रस निकालना है। हो गया ना, अब इसको कॉटन वाला कपड़ा में गाड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदी और लहसुन और प्याज को मैं पीस ली हूँ मिक्सर जार में, मोटा एकदम दरदरा सा आप देख सकते हैं। और नींबू के रस को भी निचोड़ लिए हैं। तो अब इसको कॉटन कपड़ा में गाड़ती हूँ, या आपके पास दुपट्टा वगैरह है तो उसमें भी गाड़ सकते हैं। तो मेरे पास दुपट्टा है कॉटन का, उसी में मैं गार रही हूँ। ऐसे मरकीन वाला कपड़ा में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फटने का भी डर रहता है। देखिए एक बर्तन ले लेते हैं और इसी बर्तन में इस तरह से हम इसको फैला देंगे। और इसी तरह से सारा रस को गाड़ेंगे। देखिए कितना आसानी से रस गल रहा है, आप देख सकते हैं। देखे ना दोस्तों, 100 100 ग्राम सब नापी से लेना है, कभी भी आप लोग ट्राई करिएगा तो। और एक बहुत अच्छा दवाई बता रहे हैं हम,
100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम आधी 100 ग्राम प्याज और 100 ग्राम नींबू का रस। देखिए इतना रस गरा, ये भी 100 ग्राम रस से थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये आधी जो बच गया, जो इसका सीठी बच गया, इसको आप सब्जी में यूज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के। ये जो है ना, इसको थोड़ा थोड़ा सब्जी में आप डाल के यूज कर सकते हैं मसाला में, और ना तो आप चाहिएगा तो इसको सूखा कर पाउडर बना दीजिए और मसाला के साथ, जो किचन के लिए हम लोग मसाला बनाते हैं ना, तो इसी तरह से ना पाउडर बनाते हैं कूट के, तो इसको भी सूखा करके हम पाउडर बना कर के पीस के और उसमें फेंट के रख देंगे, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसका यूज हो जाएगा। तो आगे वाला प्रोसेस दिखाते हैं। नींबू के रस को नापने के लिए, मेजरिंग करने के लिए, ये देखिए कप लिए हैं, ये मेरा कप 100 ग्राम का है, थोड़ा सा कम इसमें अटता है तो और बाहर से डालकर इसको मेकअप करूँगी, तो आप लोग के दिखाते हैं। ओवर कर देंगे तो हो जाएगा मेरा। तो देखिए नींबू का रस है, इसको से नाप के आप लोग को बताती हूँ। देखिए एक कप है, इसी में डालते हैं रस को, और थोड़ा सा है इतना, ये मेरा 100 ग्राम पूरे है, इसमें डाल देते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि लाल हो गया, तो ये आधी में मिलाइएगा नींबू के रस ना, तो ये लाल हो जाता है। अब इसको क्या करना है कि हमको चूल्हा के आंच पर रख करके और इसको सुखाना है, सुखा करके इसको 100 ग्राम करना है हमको। सब 100-100 ग्राम था, अब इसको सब मिला करके 100 ग्राम को इसको औंट के करना है पानी जैसा खोला करके। तो आगे दिखाते हैं अगला प्रोसेस। इस तरह से इसको चलाते रहेंगे, फ्लेम को जला दिए हैं, इसको कढ़ाई बैठा दिए हैं। देखिए अब इस पे अच्छा उबाल आने लगा है और ये रस छनकना शुरू हो गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। देखिए सारा रस छनक गया है, अब सूख गया है। अब कढ़ाई में देखिए 100 ग्राम के अंदाज बचा है, ये फैला हुआ है, चौड़ा तला का पेना है, इसीलिए फ्लेम को बंद करते हैं और ठंडा करके इसको सेहत को मिलाते हैं। ये मेरा ठंडा हो गया है, जो सब रस को बना रही थी ना कोलेस्ट्रॉल का दवा, देखिए ये गाढ़ा हो गया है, कितना अच्छा हो गया, एकदम ठंडा हो गया है। अब इसमें शहद मिलाती हूँ, एकदम ये रामबाण दवा है दोस्तों, एक बार जरूर आप लोग ट्राई करिएगा, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस कंट्री से देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा मैं बता रही हूँ, और आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर। मोटापा कम होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट का बीमारी है वो भी इसे कम हो जाता है खाने में। और देखिए 100 ग्राम शहद मिला रहे हैं, ये पतंजलि का है, आपका घर का भी शहद होगा तो भी और अच्छा होता है, आप मिला सकते हैं। ये पतंजलि का, ये 100 ग्राम का बाटली है और इसमें 100 ग्राम मिला रही हूँ इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मुझे बहुत कोलेस्ट्रॉल जल्दी जल्दी बढ़ता था दोस्तों, इतना बढ़ता था कि सोचिए मत। तो मैं सोची कि एक घरेलू नुस्खा बनाकर देखती हूँ, जो रामदेव बाबा बताते हैं तो उनके होगा, मैं देखती हूँ और उसी को टीवी पर देखकर मैं ये नुस्खा बनाई हूँ और इसको मैं ट्राई की,
तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत सेहत अच्छा हो गया और एकदम रामबाण की तरह जैसे वो कहे उस तरह से मैं सेवन किया तो मेरा अच्छा हो गया। तो एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा नुस्खा के घर पर बनाने के लिए। अब इसको एक चम्मच डेली पीना है। कोलेस्ट्रॉल के दवा मेरा तैयार हो गया दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। मेरा तो बहुत बढ़ा हुआ था तो मैं इसी को खाकर मैं ठीक ही दवा खाती थी हमेशा और हमेशा बढ़ जाता था। तो एक दिन मैं सोची कि एक बार ज़रूर बना के अपनाऊँगी इस दवा को, तो मैं बनाई और इसको खाई तो मुझे बहुत अच्छा हो गया। तो अब इसको पैक करते हैं डब्बा में। इस तरह से रखते हैं। ये 200 ग्राम हो गया सब, 100 ग्रामों और 100 ग्राम मध, तो ये 200 ग्राम हो गया। ये 500 ग्राम का डब्बा है। एक चम्मच डेली खाना है, कभी भी आप खा सकते हैं, ज़्यादा तो खाली पेटे खाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय।